श्रद्धा जगाओ, मन में श्रद्धा जगाओ, गोरखनाथ दर्श दिखलाएंगे। मन में श्रद्धा जगाओ, गोरखनाथ दर्श दिखलाएंगे। मन में श्रद्धा जगाओ, गोरखनाथ दर्श दिखलाएंगे। गर प्रेम से उन्हें बुलाओ, गर प्रेम से उन्हें बुलाओ, खुद चल के ही आ जाएंगे। प्रेम से उन्हें बुलाओ, खुद चल के ही आ जाएंगे। मन में श्रद्धा जगाओ, गोरखनाथ दर्श दिखलाएंगे। जब जब धरती पे पाप बढ़ा है, दुष्टों का संहार किया है, भक्तों के दुख के जहर को नीलकंठ बन के पिया है। लोक में चार युगों में घट घट में है गोरखनाथ। तीन लोक में चार युगों में घट घट में है गोरखनाथ। दुख संताप मिटाने वाले परम मोक्ष है गोरखनाथ। संताप मिटाने वाले परम मोक्ष है गोरखनाथ। भक्ति की खिचड़ी चढ़ाओ, की खिचड़ी चढ़ाओ, खुद आके भोग लगाएंगे। की खिचड़ी चढ़ाओ, खुद आके भोग लगाएंगे। मन में श्रद्धा जगाओ, गोरखनाथ दर्श दिखलाएंगे। मन में श्रद्धा जगाओ, गोरखनाथ दर्श दिखलाएंगे। घर प्रेम से उन्हें बुलाओ, खुद चल के ही आ जाएंगे। घर प्रेम से उन्हें बुलाओ, खुद चल के ही आ जाएंगे। मन में श्रद्धा जगाओ, संपूर्ण ब्रह्मांड में होने वाले अनेक परिवर्तन मुझसे जुड़ी है। अलख निरंजन आदेश। ये गाथा नव नारायण तथा उनके द्वारा आरंभ किए गए सिद्ध पंथों की कथा है। महाकाल योग शास्त्र कल्पद्रुप में देवताओं के पूछने पर कि गोरक्षनाथ कौन है, तो स्वयं महेश्वर उत्तर देते हैं। अहमेवास्मि गोरक्षो भद्रूपम तदनिबोधत, यो मार्ग प्रचाराय मया रूपमिदं कृतम्। अर्थात मैं ही गोरख हूं, योग मार्ग के प्रचार और जन कल्याण के लिए मैं ही गोरक्षनाथ के रूप में अवतरित हुआ। ये कहानी आरंभ होती है नाथ संप्रदाय के महागुरु योग गुरु मच्छिंद्र नाथ से। एक समय की बात है, शिव पार्वती अंतरिक्ष में विहार कर रहे थे कि अचानक यमुना तट के रमणीय देखकर पार्वती जी कुछ समय उस स्थान पर रुककर आनंद लेने की इच्छा प्रकट की। स्वामी, कितना रमणीय स्थान है। यदि आपकी आज्ञा हो
तो क्यों ना कुछ देर रुककर प्राकृतिक सुंदरता का अवलोकन करें। क्या बात है देवी, आप बार बार ऐसे क्यों देख रही हैं? हे आदिनाथ, आपके गले में पड़े इन नरमुंडों को देख रही हूँ। ये नरमुंड किसके हैं? इन नरमुंडों के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है देवी? आप प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लीजिए। परंतु स्वामी, इन नरमुंडों को देख के हमें बार बार जिज्ञासा हो रही है कि आखिरकार ऐसा क्या है इन नरमुंडों में जो आप इसे हमेशा हृदय से लगाए रहते हैं। कुछ बातों को न जाना जाए तो ही उचित है। किंतु हमें ये बात जाननी है स्वामी। परंतु क्यों देवी? प्रभु, यदि कभी किसी ने हमसे ये प्रश्न किया कि तुम्हारे स्वामी के गले में ये किसका नरमुंड है, तो हम उसे क्या उत्तर देंगे? देवी, आपसे कदापि कोई ऐसा प्रश्न नहीं करेगा। अगर ये सवाल स्वयं आपके हैं तो मैं बताता हूँ कि ये सारे नरमुंड आपके ही हैं। हमारे? अर्थात हमारा जन्म और मृत्यु होती रही परंतु आपकी नहीं? ऐसा क्यों प्रभु? ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको निरंतर जीवित रखती है? योग ज्ञान देवी। योग ज्ञान? एक अर्धांगनी होने के नाते हमें भी इस ज्ञान के बारे में बताएं प्रभु। तो ध्यान से सुनो देवी, चाहे कोई ज्ञानिष्ठ हो चाहे विरक्त धर्मज्ञ इंद्रियों को जीतने वाला हो, बिना योग के कोई देवता भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। योग ही साधन मार्ग है और यही परम सुख का पुण्यप्रद मार्ग है। यह सूक्ष्म ज्ञान है और इस पर चलने वाला साधक जीवन मुक्त हो जाता है। योग साधना में सिद्धि का यही परम धार है कि साधक अथवा योग सिद्ध साधक घट घट में परमात्मा का दर्शन करे, और ऐसा करने वाला साधक अपने जीवन में तथा लोक जीवन में निश्चित निर्वाह करने में सक्षम हो जाता है। जब तक योगी अपनी ही काया में निर्वाण परमानंद स्वरूप मोक्ष का अनुभव नहीं करता, तब तक उसे योग युक्त महाज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुम्हें योग ज्ञान को प्राप्त हो गया, किंतु एक समय ऐसा आएगा कि तुम महायोग ज्ञान भूल जाओगे। ये मेरा श्राप है तुम्हें। तुम काल चक्र के मोह माया भोग विलास के जीवन में डूब जाओगे, जो किसी योगी के जीवन का अंश ही नहीं होता। हे महादेव,
माते की निंद्रा ना टूटे इस कारण से हम हुंकारी भर रहे थे। हमें क्षमा करें महादेव। दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं होता। जाओ नाथ संप्रदाय का उत्थान एवं जन कल्याण करो। जो आदेश। निरंजन ठहरो। क्या हुआ है इस बालिका को? बाबा इसे बहुत ही गंदी बीमारी हुई है। हाँ बाबा, इसीलिए हम इसे नदी में डालने के लिए ले जा रहे हैं। नहीं तो ये गांव में गंदी बीमारी फैल जाएगी। अरे मूर्खो, एक मासूम बच्ची के साथ जानवरों जैसा बर्ताव। अलख निरंजन। अरे देखो देखो, बाबा ने तो चमत्कार कर दिया। बाबा की जय हो। अलख निरंजन। क्या बात है प्रभु, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। चिंता का विषय है देवी, चिंता का। प्रभु, क्या हम आपकी चिंता का कारण जान सकते हैं? मच्छिंद्रनाथ योग विद्या का प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं, किंतु इसमें किंतु की क्या बात है नाथ? आपको ज्ञात होगा देवी कि मच्छिंद्रनाथ मत्स्य योनि से योग ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, परंतु वो इस ज्ञान का दुरुपयोग कर सकते हैं। हे नाथ, आपके होते हुए ये सब कैसे संभव हो सकता है? सरस्वती, सरस्वती। स्वामी, आप कब आए? कहाँ खोई थी? मैं बच्चों की अटखेलियों में डूबी हुई थी स्वामी। बच्चे तो भगवान के स्वरूप होते हैं। प्रभु का यह रूप हमें क्यों प्राप्त नहीं है स्वामी? प्रभु ने हमें सब कुछ दिया, किंतु संतान के सुख से हमें वंचित क्यों रखा? भोलेनाथ पे भरोसा रखो, वो कृपालु हैं। अच्छा ये लो रेवड़ियाँ, मैं हाथ मुंह धोकर के आता हूँ। हाँ। जी।
खींचो खींचो। कैसे हो बालगोपाल? तुम्हारे लिए रेवड़िया लेके आई हूँ, ये लो। हाँ मुझे भी दो। हाँ हाँ तुम्हें भी देती हूँ। अरे छोटे बालगोपाल आओ। अरे अरे भागो। रुक, ये क्या चीज है तुम्हारे हाथ में? रेवड़ी। किसने दी? सरस्वती काकी ने। हाँ सरस्वती काकी ने? हाँ। उस बांझ औरत ने, और तुम लोगों ने ले भी लिया। हाँ चलो चलो मामू जी मार। चलो चलो। स्वामी हमने रेवड़िया बालगोपालों में बांट दी, और काका का बेटा तो सारे रेवड़े लेके चला गया। प्रथम भोग तो बालगोपाल को ही लगना चाहिए। अच्छा भोजन परोसू? हाँ। चलो 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 चलो। ए पंडित, कहाँ है पंडिताइन? क्या बात है? हम तुमसे बात करने नहीं आए, पहले पंडिताइन को बुलाओ। क्या हुआ बहन? बहन बहन मत कहा कर, तेरे बहन कहने से मेरे तन बदन में आग लग जाती है। किंतु हमसे अपराध क्या हुआ है? किंतु परंतु मत करो, हमारे बच्चे को ये क्या दिए हो? रेवड़ी। मैं अंधी नहीं हूँ, देख सकती हूँ कि रेवड़ी है। टोना टोटका करके हमारे बच्चों को खाने को मत दिया करो। टोना टोटका? अरे परंतु मेरे स्वामी ने तो रेवड़ी आप बाजार से लाई थी। तुम और तुम्हारे स्वामी, तुम दोनों एक संतान तक पैदा नहीं कर सकते हो, और दूसरों के संतानों पर टोना टोटका करते हो। ये क्या कह रही है बहन? देखो भैया, हमको जो कहना होता मुंह पे ही कह देते हैं। हम बांझ औरत के हाथ का पानी तक नहीं पीते हैं। चलो चलो तुम लोग चलो। संतान की प्राप्ति नहीं हुई प्रभु। प्रभु मेरी तपस्या का ऐसा परिणाम नहीं प्रभु, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भक्ति साधना के बाद भी सरस्वती। Oh
अलख निरंजन, अलख निरंजन। महाराज की जय। आशीर्वाद। सरस्वती, जाओ महाराज के लिए कुछ जलपान ले आओ। नहीं, आज मच्छिंद्रनाथ यही विश्राम करेंगे। अहो भाग्य हमारे प्रभु, आप स्थान ग्रहण करें, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। आइए महाराज। सब कुशल मंगल है तो बालक? सब प्रभु की कृपा है, बस एक संतान की कमी है, जिस कारण मेरी पत्नी हमेशा दुखी रहती है। प्रभु भोजन ग्रहण करें। क्या हुआ सरस्वती? स्वामी महाराज कहाँ चले गए? महाराज योगी हैं, भ्रमण पे निकल गए होंगे। भ्रमण पर निकल गए होंगे? तरह से अचानक अतिथि का जाना अपशकुन होता है। मैं बांझ हूँ ना, अभागन हूँ, इसीलिए उनका हमारा आतिथ्य स्वीकार नहीं हुआ होगा। तुम मन छोटा ना करो, उनकी ललाट बता रही थी कि वे एक महापुरुष हैं और महापुरुष ऐसी ओछी सोच नहीं रखते। महाराज, ये तो अपने आप को अभागिन समझने लगी थी। ये भला कैसे हो सकता? इस पर तो साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद है। अलख निरंजन। पुत्री,
हम तुम्हारी सेवा सत्कार से अति प्रसन्न हैं। ये लो भभूत, ये भोलेनाथ का प्रसाद है। इसे ग्रहण करने के बाद तुम्हें शिव शंभु स्वरूप संतान की प्राप्ति होगी। अब हमें प्रस्थान करना होगा वत्स। अलख निरंजन, अलख निरंजन। ये देखो बच्चों, योगी बाबा का प्रसाद अब हमारे भी गोद भरेगी। ये पांचवी औरत, कितनी बार कहा कि मेरे बच्चों से दूर रहा कर, अब भागिन कहीं की? अब मैं अभागुन नहीं रही और अब मैं पांच भी नहीं कहलाऊंगी। ऐसा क्या चमत्कार हो गया? योगी बाबा ने ये बबूत दी है और कहा है कि अगर हम इसे ग्रहण करेंगे तो हमें संतान सुख प्राप्त होगा। बबूत और संतान का सुख? अगर ऐसा मुझे पता होता तो मैं कभी विवाह ही नहीं करती। हम सच कह रहे हैं बहन, हमारा विश्वास कीजिए। बबूत और संतान, चल बेटा, चल चलो यहाँ से। आशीर्वाद स्वरूप भभूत को घूर पर डाल दिया। देवी, मनुष्य के शरीर की आत्मा ही उसका देव रूप होता है और उसकी आत्मा को उस पर विश्वास नहीं हुआ तो उसने उसे घूर पर डाल दिया। परंतु विवश तो उन स्त्रियों ने किया था। देवी, कोई किसी को विवश नहीं करता है। तो क्या उसे संतान सुख प्राप्त नहीं होगा? इसका उत्तर तो केवल मच्छिंद्रनाथ ही दे सकते हैं देवी। लाख निरंजन। निरंजन, लाख निरंजन। महाराज की जय हो। सरस्वती, अनाज ले आओ। जी स्वामी। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। आइए महाराज। प्रणाम महाराज। पुत्री, तुम वही हो ना जिसे हमने संतान प्राप्ति के लिए भभूत दिया था? जी जी महाराज। कहाँ है तुम्हारा पुत्र? प्रभु,
वो भभूत तो हमने ग्रहण ही नहीं किया। क्या ग्रहण नहीं किया? क्या क्या तुमने उस भभूत का? प्रभु, वो भभूत हमने घूर पर डाल दिया। घूर में डाल दिया? कहाँ है वो स्थान? हमें शीघ्र लेकर चलो। आइए प्रभु। निरंजन पुत्र, स्वामी पुत्र, पुत्र स्वामी हमारा पुत्र, प्रभु प्रभु हमारा पुत्र हमें दे दीजिए। पापा हमारा बालक, पापा पापा मेरा बालक, पापा मेरा बालक, जाओ पापा मेरा बालक। कितना अद्भुत मुखड़ा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मैं आपका बाल रूप देख रही हूँ। वत्स गोरख, जाओ तनिक विश्राम करो। आदेश आदेश गुरुवर। वत्स गोरख। आदेश गुरुवर। तुम वज्रास्त्र, नागास्त्र, सर्पास्त्र, मोहनास्त्र और सारे शास्त्रों का ज्ञान मुझसे प्राप्त कर चुके हो। जी गुरुवर। गुरु मच्छिंद्रनाथ द्वारा संपूर्ण योग शक्ति प्राप्त कर गोरखनाथ जी गुरु के आदेशानुसार नाथ संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग दिशाओं में प्रस्थान करते हैं, लेकिन विधि के विधान को कौन जान सका है। प्रभु की लीला तो कुछ और ही थी। भोलेनाथ जी के द्वारा दिए गए शाप के कारण मच्छिंद्रनाथ अपनी सारी योग शक्ति भुलाकर त्रियाराज में पहुंच जाते हैं। त्रियाराज स्त्रियों का वो राज है जहां पुरुषों का प्रवेश निषेध है। एक समय की बात है, त्रियाराज की महारानी मैनाकनी अपने राज की रक्षा के लिए चिंतित हनुमान जी की आराधना करती है और उन्हें प्रसन्न करती है।
तदुपरांत हनुमान जी प्रसन्न होकर मैनाकिनी को आशीर्वाद स्वरूप मच्छिंद्रनाथ को त्रियाराज का रक्षक होने का वर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार करते करते कनिफा नाथ से मिलते हैं, जहां बातों बातों में ही मच्छिंद्रनाथ के त्रियाराज में चले जाने का पता चलता है, जिससे गोरखनाथ जी अत्यंत दुखी होते हैं। बाबा की जय हो। दीक्षांत देही माते। लंग महालंग आदेश। आदेश गुरुवर। आदेश। कैसे हो लंग महालंग? आपके आदेश एवं दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं। गुरु मच्छिंद्रनाथ जी का समाचार बताएं गुरुवर। क्षमा करें गुरुवर, मुझे आप कुछ चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। चिंता का विषय है महालंग, एक बड़ा चिंता का विषय है। गुरुवर, क्या हम चिंता का कारण जान सकते हैं? अवश्य, तुम दोनों तो हमारे प्रिय शिष्य हो। कनिफा नाथ द्वारा मुझे पता चला कि हमारे श्रेष्ठ गुरु त्रिया राज्य में भोग विलास मिले। गुरुदेव, वो अपने पंथ की मर्यादा कैसे भूल सकते हैं? विधि का विधान सब कुछ करा देता है। हम कुछ समझे नहीं। ये समय समझाने के लिए नहीं, उपाय सोचने का है। गुरुदेव, हमारे लिए आदेश करें। हम त्रिया राज्य के लिए प्रस्थान करते हैं। गुरुवर, इस वेशभूषा में तो आपको कोई भी पहचान लेगा। तुम ठीक कहते हो। साधना हो, योग साधना भूल गए जब दल दल में ही डूब गए जब। योग साधना भूल गए जब दल दल में ही डूब गए जब। चला गुरु की बनकर छाया जाग मच्छिंद्र, मच्छिंद्र गोरख आया। जाग मच्छिंद्र, मच्छिंद्र गोरख आया। योग साधना भूल गए जब दल दल में ही डूब गए जब। योग साधना भूल गए जब दल दल में ही डूब गए जब। अरे चला गुरु की बनकर छाया जाग मच्छिंद्र, मच्छिंद्र गोरख आया। जाग मच्छिंद्र, मच्छिंद्र गोरख आया। जाग मच्छिंद्र गोरख आया, जाग मच्छिंद्र गोरख आया, जाग मच्छिंद्र गोरख आया, जाग मच्छिंद्र गोरख आया। ज्ञान साधना भूल गए हैं,
राजभवन में खोए हैं, माया के बंधन में पड़ के वह विलास में सोए हैं। कैसी लीला अरे कैसी लीला, कैसी है ये बम भोले की माया। जाग मछिंदर मछिंदर गोरख आया हो, जाग मछिंदर मछिंदर गोरख आया, जाग मछिंदर गोरख आया, जाग मछिंदर गोरख आया, जाग मछिंदर गोरख आया, जाग मछिंदर गोरख आया। राज में भेष बदल के गोरख नारी रूप धरे, अलख निरंजन मन में भर के गुरु की ऐसी खोज करे। मोह माया अरे मोह माया सब छोड़ छाड़ के गुरु को वापस लाया, जाग मछिंदर मछिंदर गोरख आया, जाग मछिंदर मछिंदर गोरख आया, जाग मछिंदर गोरख आया, जाग मछिंदर गोरख आया, जाग मछिंदर गोरख आया, जाग मछिंदर गोरख आया। गुरुवर, हाँ? यहाँ से कदली देश प्रारंभ होता है। चलो, हम यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। हमारे आसन की व्यवस्था कीजिए। आदेश। इस पीड़ित का कष्ट दूर कर दिया जाए। ये लो बाबू, आज से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अलख निरंजन। रोशनी, ए रोशनी आई।
अरे 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 बहन, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? अब क्या करना है भैया, इन मामूली चोट से प्रभु ने मेरे नेत्र से ज्योति छीनकर जो चोट दी है उसके सामने ये कुछ नहीं। नहीं बहन, ऐसा नहीं कहते, ये तो विधि का विधान है। ऐसा विधि का विधान मेरे लिए ही क्यों भैया, बचपन से ही मेरे सर से माता पिता का स्नेह छीन गया। थोड़ी बड़ी हुई तो मेरे नेत्र की ज्योति ही छीन गई। अलख निरंजन, प्रणाम। तुम बहुत कष्ट में प्रतीत हो रहे हो। हे महाराज, एक महान दुर्घटना में मेरी बहन की आंखें चली गई हैं। इससे इसका जीवन बहुत कष्टमय हो गया है प्रभु। अपनी बहन को हमारे गुरु बाबा गोरखनाथ के पास ले चलो। आओ वत्स। गुरुवर, इसका करुण कंदन सुनकर हृदय निर्मल हो गया, इसके कष्टों का निदान करें। बाबा की जय हो। चिंता ना करें, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रभु प्रभु, देखिए ना मेरे पिताजी को क्या हो गया। बाबा देखिए ना मेरे पिताजी को क्या हो गया। प्रभु देखिए ना मेरे पिताजी को क्या हो गया। क्या हो गया मेरे पिताजी को बाबा। ये तो चमत्कार हो गया। बाबा जी, बाबा आपने तो चमत्कार कर दिया, मुझे नया जीवन दे दिया। बाबा बाबा की जय हो। भोजन की व्यवस्था की जाए। जी जाओ, भिक्षा लेकर आओ। नाथ सिद्धों के मुख्य अवतार अयोनि संभव कहलाते हैं, क्योंकि इनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था। योग गुरु श्री गोरक्षनाथ जी अपने योग शक्ति द्वारा जन कल्याण में लीन हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने परम गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के त्रियाराज में चले जाने से अत्यंत दुखी भी हैं। उसी समय उनकी मुलाकात त्रियाराज की नृतिका कलिंगा से होती है, जिसके सहयोग से स्त्री रूप धारण कर गोरखनाथ जी त्रियाराज में प्रवेश करते हैं। तभी हनुमान जी को किसी पुरुष का त्रियाराज में प्रवेश होने का आभास होता है और वो क्रोध में त्रियाराज को प्रस्थान करते हैं, किंतु गोरखनाथ अपने योग विद्या से हनुमान जी को रोक देते हैं। कहो कैसे याद किया। जय श्री।
मैं आपका बहुत बलशाली हूँ। आपके नाम पर पत्थर भी पानी में तैरता है, किंतु आज मैं असहाय हूँ। ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझ पर इतनी भारी पड़ रही है? आप खामोश क्यों हैं प्रभु? कौन है वो? वो नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ जी इस समय प्रयागराज में है। परंतु प्रभु, प्रयागराज में मच्छिंद्रनाथ के अलावा कोई पुरुष ही नहीं रह सकता। मेरी एक गर्जना पर गर्भ में पलने वाला पुत्र भी अपने प्राण त्याग देता है, फिर ये पुरुष? कोई मामूली पुरुष नहीं हनुमान, वो साक्षात भोलेनाथ है। भोलेनाथ? उनका प्रयागराज में आने का कारण क्या प्रभु? गोरखनाथ अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को ले जाने आए। किंतु प्रभु, मैंने मैनाकिनी को पति सुख का वर दिया, उसका क्या होगा? चलो फिर उन्हीं से इसका समाधान पूछा जाए। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव, स्थान ग्रहण करें। हमें स्थान ग्रहण करने की कदापि चिंता नहीं है, हम तो आपसे आशीर्वाद स्वरूप वर प्राप्त करने आए हैं। त्रिया राज्य में पुरुषों का प्रवेश निषेध है, कृपया अपने असली रूप में आए। प्रणाम महाप्रभु। आदेश। महात्मा, हम ये जानने की इच्छुक है कि आपके चरण इस धरातल पे क्यों पड़े? हमारे गुरु मच्छिंद्रनाथ अलग जीवन छोड़कर सांसारिक जीवन में उलझ गए हैं, हम उन्हें ले जाने आए हैं। महारानी कलिंगा राजदरबार में नृत्य के लिए तैयार है। ठीक है, आप मीननाथ को बाहर कक्ष में ले जाइए। जी महारानी। आइए महाराज। लगाए न लागे नैनों में।
मेरा शिष्य गोरख इसी नृत्य मंडली में है। परंतु यहां तो सारी स्त्रियां हैं। महारानी, वो एक सिद्ध योगी है, उसे कोई भी रूप धरने में तनिक भी कठिनाई नहीं होगी। क्या बात है प्रभु, यूं मंद मंद किस कारण मुस्कुरा रहे हैं? देवी, मैनाकिनी को गोरखनाथ की उपस्थिति का पता चल गया है। तो क्या हुआ? देवी, वो हनुमान के शरण में गई है। तो उससे क्या होगा? होना तो वही होगा जो वर्षों पूर्व निर्धारित हो चुका है। हनुमान को गोरख के शक्ति का आभास हो चुका है। हमें विस्तार से समझाइए प्रभु, क्या बात है प्रभु? देवी, धैर्य रखो, धैर्य। आपकी लीला आप ही जाने। Oh, oh, oh.
मुखियारी विपदा के Yeah.
रागिनी। प्रभु, इतनी तपस्या का कारण क्या है? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर भी आप मुझसे ही कारण पूछ रहे हैं। विधि का विधान है जिसे कोई नहीं बदल सकता। परंतु प्रभु, आपने तो हमें आशीर्वाद दिया था, हमारे राज्य की रक्षा का वचन भी दिया था। मैंने तुम्हें अवश्य वचन दिया था, किंतु 12 वर्षों के लिए ही, जो अब पूर्ण हो चुका है। उपरीक्षा वस्तु मच्छिंद्रनाथ को भेजा, मेरी गर्जना का असर तुम्हारे पति व पुत्र पर ना पड़े इसका भी ध्यान रखा। अब क्या चाहती है? परंतु प्रभु, हम अपने स्वामी से अलग नहीं रह सकते। गोरखनाथ बहुत बड़े योगी हैं, वे अपने गुरु को लेकर ही जाएंगे। क्या बात है महारानी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कलिंगा को निर्तारंभ करने का आदेश दें। दिल में जलाई प्रेम की ज्योति। मन भायो मेरो ना,
होती है अंगड़ाई में, तुम ही तुम अब दिखते हो बस कण कण की सुख आप सभी राज्यसभा से बाहर जाएं। सुनिए, आप रुकिए। कृपा करके आप अपने असली रूप में आओ। ये छल है, धोखा है, यहाँ पर पुरुषों का आना वर्जित है। तो हमारे गुरुदेव यहाँ क्या कर रहे हैं महारानी? इन्हें तो हमने वरदान में मांगा था। किसी से भूल हो गई है माते, वरना तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं जो नाथ संप्रदाय के किसी योगी को वरदान का रूप दे सके। अगर ऐसा है तो तीनों लोकों में त्राही माम मच जाएगी माते। माते, हम अपने गुरुदेव को ले जाने आए और किसी देवता में इतनी शक्ति नहीं है कि मच्छिंद्रनाथ के शिष्य को रोक सके। ये क्या कर रही है माते? विधाता ने आपको हमारी गुरु माता बनाया है। हम जानते हैं कि आप देवों के देव हैं, किंतु आप इन्हें यहाँ से क्यों ले जाना चाहते हैं? माते, शिष्टाचार इस बात की शिक्षा देता है कि शिष्य को गुरु की परछाई के रूप में रहना चाहिए। किंतु उसका क्या अपराध है? माते, ये बालक कौन है गुरुदेव? ये हमारा पुत्र मीननाथ है वत्स। मीननाथ? आपसे हमारी बस एक ही विनती है, बस एक वर्ष के लिए रुक जाइए। हम योगी महिलाओं का अत्यधिक सम्मान करते हैं और आप तो हमारी गुरु माता हैं। आदेश, आदेश गुरु माता। हमें तो पहले ही ज्ञात हो गया था कि तुम आ चुके हो। मैंने इस बात से मैनाकिनी को पहले ही दिन अवगत भी कराया था कि मेरा प्रिय शिष्य गोरख नृत्य मंडली में ही है। हे गुरुदेव, आप महायोग ज्ञान के स्वामी हैं। सुख के लोभ, कामिनी रूप रमन और माया के बंधन में बंधना कदापि उचित नहीं है, इनका त्याग कीजिए। आप आत्मा के योगी हैं, गुरु पद पे प्रतिष्ठित परम योगेश्वर। हमारा जन्म समाज के कल्याण के लिए हुआ है, आप तो संसारिक मोह माया में उलझ गए हैं। तुम ठीक कहते हो वत्स, मेरी शक्ति छीन हो चुकी है और अब मैं भी इस बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा प्रिय शिष्य ही मुझे इस बंधन से मुक्त करवा सकता है। आदेश, आदेश गुरुदेव।
सुना है गुरु गोरखनाथ त्रिया राज में पधारे हैं। परंतु ये कैसे संभव हो सकता है? इस बात पर हमें कदापि विश्वास नहीं हो रहा है। पुरुष वो भी त्रिया राज में। महारानी ने तो एक नाथ को नष्ट कर दिया है, अब दूसरे नाथ की बारी है। अरे मूर्खो, वो गोरखनाथ साक्षात शिव जी के रूप है। हमने अपनी त्रिया चरित्र के बल पे अपने स्वामी के शिष्य को रोक लिया है। अब तुम लोग जाओ और अपनी यौवन दिखाकर योगी की योग साधना को भंग करो। किंतु हमें करना क्या होगा महारानी? मूर्ख, पुरुषों को कैसे रिझाते हैं, क्या आपने ये प्रकृति से नहीं सीखा? जाओ और कलिंगा को जाकर हमारा आदेश दो कि वो अपनी मंडली के साथ गोरखनाथ के पास जाए। जो आज्ञा महारानी। वो महान ज्ञानी है, उनके दर्शन मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। उनके दर्शन कब होंगे? मन से स्मरण करोगे तो अवश्य दर्शन होंगे। हाँ। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। ऐसा ना हो कि उनके दर्शन मात्र से ही कलिंगा अपने मार्ग से भटक जाए। यदि ऐसा हुआ तो हमें अपने स्वामी को खोना पड़ेगा, जो हम कदापि सहन नहीं कर पाएंगे। विश्वास करें महारानी, आपके निर्देशानुसार ही कार्य होगा। प्रभु, मैनाकिनी तो अपनी दासियों के द्वारा गोरखनाथ के साथ षड्यंत्र रच के अनर्थ करने जा रही है। हनुमान, वो एक सिद्ध योगी हैं। योगी तो मच्छिंद्रनाथ भी थे, परंतु वृक्षावसु उसने हमारी तपस्या करके उस योगी को प्राप्त कर ही लिया। अवश्य, किंतु केवल 12 वर्षों तक। परंतु उसने गोरखनाथ से प्रार्थना करके उन्हें 1 वर्ष के लिए रोक भी तो लिया, और 1 वर्ष में तो वो कुछ भी कर सकती है। प्रभु, सब कुछ मनुष्य के हाथ में नहीं होता। हनुमान, प्रभु, योगी गोरखनाथ भी तो एक मनुष्य ही है। अवश्य है, परंतु अन्य मनुष्यों से भिन्न है। वो कैसे प्रभु? वो कोई साधारण पुरुष नहीं है हनुमान, साक्षात प्रभु रूप में योगी पैदा हुए हैं। छमुरी पायल करे, छम छम छमा छमुरी पायल करे, तोरी बाकी नजर मुझको घायल करे। मैं तो तेरी हूँ दीवानी, हुई जग से बेगानी। मैं तो तेरी हूँ दीवानी, हुई जग से बेगानी, तेरा ये मान मुझको पागल करे। छम छम छमा छमोरी पायल करे, तोरी बाकी नजर मुझको घायल करे। पीने लगी हूँ, मरने लगी हूँ, मैं तो जीने लगी हूँ। तेरे रूप का रस पीने लगी हूँ, मरने लगी हूँ, मैं तो जीने लगी हूँ। कब से हूँ मैं तेरे ही बाहु पाशु में,
छमा छमोरी पायल करे तोरी बाकी नजर मुझको घायल करे। मुझको बसा के प्रीत की नदियाँ में मुझको बहा के मन मंदिर में मुझको बसा के प्रीत की नदियाँ में मुझको बहा के कोई तो आधार दो जीवन सवार दो। मैं तो तेरी हूँ दीवानी होई जग से बेगानी। मैं तो तेरी हूँ दीवानी होई जग से बेगानी। दूरी सहे ना सहायल करे छम छम छमा छमोरी पायल करे तोरी बाकी नजर मुझको घायल करे। क्या हुआ माते? क्षमा महाराज क्षमा। मैं आपकी शक्ति को पहचान न सकी। आओ मेरे मीननाथ, कैसे हो बेटा? खेल रहे हो? हाँ माताश्री। अच्छा, बहुत अच्छा। जाओ लेकर जाओ। हमें क्षमा करें महारानी। करे महारानी। क्यों? क्या हुआ? कलिंगा का उन पर कोई वश नहीं चला। हम सब हार गए। आप लोग स्त्री होकर एक पुरुष को अपने वश में नहीं कर पाए? पर वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। साधारण पुरुष तो हमारे स्वामी भी नहीं थे, परंतु हमने उन्हें अपने वश में किया था। और वो तो फिर भी हमारे स्वामी के एक शिष्य हैं। वो जो भी हो पर अन्य से भिन्न है। एक पुरुष तो पुरुष ही होता है ना? अवश्य अवश्य पुरुष पुरुष ही होता है, किंतु वो गोरखनाथ। जाओ और उन्हें आदर पूर्वक हमारे कक्ष में लेके आओ। जी महाराज। प्रभु, महाराज ने आपको अपने कक्ष में आने का आग्रह किया है। स्वामी, आप अपने शिष्य को क्यों नहीं समझाते हैं कि वो चिन्नापट्टन में बैठकर योग और तप करे? गुरु शिक्षा देने के लिए होता है। शिष्य जब शिक्षित हो जाए तो उसे कब कहां क्या करना है यह निर्णय लेना उसके स्वयं का अधिकार होता है महारानी। अब हम आपको कैसे समझाएं? कितनी कठिन तपस्या के बाद हमने आपको प्राप्त किया है। आपने तपस्या किया है, किंतु उसमें आपके स्वयं का स्वार्थ था। लेकिन वो जो जन कल्याण के लिए तपस्या करता है, उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है महारानी।
आदेश, गुरुवर आदेश। आओ वत्स गोरख, मीन नाथ कई दिनों से दस्त से पीड़ित है और हम चाहते हैं कि तुम उसे नदी पर ले जाओ और संपूर्ण रूप से स्वच्छ करके हमारे पास लेके आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। जय हो बाबा की, बाबा की जय हो, बाबा गोरखनाथ की जय हो। अलख निरंजन। बाबा हम धन्य हो गए जो आपके चरण किन्ना पट्टन में पड़े। हाँ प्रभु, हम सबकी यही इच्छा है कि आप यही वास करें। हम तो योगी हैं, हमें भ्रमण करते रहना पड़ता है। प्रभु आप यहाँ वास करेंगे तो हम सबका कल्याण होगा। हमें तो सबके कल्याण के बारे में सोचना है। परंतु प्रभु चिंता ना करें, हम यहाँ रहे या ना रहे हमारा अंश यहाँ अवश्य रहेगा। अब जाने दीजिए, हमें अपने गुरुवर की आज्ञा का पालन करना है। अलख निरंजन। आओ। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम अपने हेतु खिचड़ी पका ले। लेकिन आप अपना भोजन खुद क्यों बनाएंगे? आप हमारे साथ भी भोजन कर सकते हैं। नहीं माते, हम गुरुवर के आदेश में इतना व्यस्त हो गए थे कि अपने लिए भिक्षाटन नहीं कर पाए। अब आप ही हमारे पात्र में खिचड़ी हेतु कुछ अन्न दान दें। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अपने ही घर में भिक्षा मांग रहे हैं? योगियों का कोई घर नहीं होता है, वो सांसारिक मोह माया से कोसों दूर रहते हैं। आप अपने शिष्य को समझाते क्यों नहीं है? वो अपने ही घर में भिक्षा मांग रहे हैं, क्या आपने इन्हें यही शिक्षा दी है? हमें अपने शिष्य को जितना ज्ञान देना था वो हम दे चुके हैं। गुरु होने का ये मतलब तो नहीं कि हम उसे पग पग पर ज्ञान देते चले। भिक्षा माते, भिक्षा। मेरे मीननाथ कहाँ है? गुरुदेव के आज्ञानुसार उसे भली भांति स्वच्छ करके और निचोड़ करके छत पर सूखने के लिए डाल दिया है। क्या निचोड़ कर? अर्थात आपने मेरे मीननाथ को? रुक जाइए महारानी जी, महारानी जी रुक जाइए, रुक जाइए ना महारानी, महारानी जी रुक जाइए, रुक जाइए मीननाथ कहाँ हो बेटे? महारानी जी रुक जाइए, मेरा पुत्र मेरा
अरे मूर्ख, ये तुमने क्या किया? इस बालक का क्या अपराध था जो तूने इसे निर्दयी बनकर मार डाला? गुरुदेव, आपने इसे भली भांति धोकर सुखाने के लिए बोला था, हमने वही किया, इसमें मेरा क्या अपराध है? अब भली भांति जानते हैं संपूर्ण जगत नश्वर है, ऐसी स्थिति में आपके द्वारा क्रोध अथवा शोक उचित प्रतीत नहीं होता। आप ज्ञानी होकर भी इस प्रकार का संताप क्यों कर रहे हैं? करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव पुण्य राज्य को छोड़कर आप परमात्मा की ज्योति का चिंतन कीजिए। राज और विषय भोग राजाओं का कार्य है। आप जैसे महायोगी को तो अलख निरंजन और परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। गोरख, इस समय उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, मीननाथ को जीवित करो, ये मेरा आदेश है। जो आ गया गुरुवर, आदेश। हे गुरु माते, इनमें से जो भी आपका पुत्र है आप ले। ये तो बड़ा कठिन कार्य है, हम अपने पुत्र को तो पहचान ही नहीं पा रहे हैं। अलख निरंजन, माँ अपने पुत्र को नहीं पहचान पा रही है? असंभव, असंभव। हे गोरखनाथ, हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप ईश्वर के अवतार हैं। हम पर थोड़ी कृपा करें और हमें हमारा मीन लौटा दें। आप तो अपनी महिमा के प्रभाव से हजारों मीननाथ प्रकट करने में समर्थ थे, फिर एक मीननाथ के मर जाने पे इतना शोक और संताप क्यों किया? हे वत्स, तुम्हारा कहना सत्य है, ये सारी लीला मेरी ही रची हुई थी। मेरी ही इच्छा से तुमने मीननाथ को जीवित किया। हम चाहते थे कि मैनाकनी को तुम्हारे शक्ति का आभास हो। अगर हम ऐसा नहीं करते तो मैनाकनी का हमारे प्रति मोह भंग नहीं होता। छोड़ छाड़ के राजपाट को गुरु मच्छिंदर निकल पड़े, दुनिया को कल्याण मिलेगा उधर नाथ के चरण बढ़े। स्वामी, छोड़ छाड़ के राजपाट को गुरु मच्छिंदर निकल पड़े, स्वामी दुनिया को कल्याण मिलेगा उधर नाथ के चरण बढ़े। स्वामी, दुनिया को कल्याण मिलेगा उधर नाथ के चरण बढ़े। बाबा गोरखनाथ की जय, जय जय गोरखनाथ की जय। बाबा गोरखनाथ की जय, जय जय गोरखनाथ की जय। मैनाकिनी को ज्ञान मिला,
की वापस आई, मंगला का वरदान मिला। भोग से रानी वापस आई, मंगला का वरदान मिला। बाबा गोरखनाथ की जय, जय जय गोरखनाथ की जय। बाबा गोरखनाथ की जय, जय जय गोरखनाथ की जय।